देखिए वो मीडिया में रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं, मैं ये समझता कि ऐसी मानसिक स्थिति के लोगों के बारे में कोई कमेंट किया जाना चाहिए। भिलाई भिलाई चरौदा और रिसाली और साथ में जामुल नगर पालिका में विभिन्न कार्यक्रमों के, विभिन्न निर्माण कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें प्रभारी मंत्री आदरणीय अकबर जी, विभागीय मंत्री डॉक्टर सी डहरिया जी और साथ ही क्षेत्रीय विधायक और पीएचए मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी और साथ ही गृह मंत्री जी भी साथ रहेंगे, देवेंद्र यादव भी सब साथ में रहेंगे। तो आज दिन भर का कार्यक्रम, लगभग 10 कार्यक्रम है वहाँ और सभी जगह हम लोग पहुँचेंगे। काफ़ी उत्साह वहाँ लोगों में निर्माण कार्य को लेकर, लोकार्पण और भूमि पूजन को लेकर। आप लोगों की तरफ मैंने पहले ही कहा कि जो पड़ोसी राज्य है उससे हमारा यहाँ छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रहेगी। पिछले दिनों वित्त मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वर्चुअल बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने कहा कि आप थोड़ा बहुत क्यों कम करते हैं, जो 2014 के पहले जितने भी एक्साइज ड्यूटी थी उसी स्तर पे ले आइए, और दूसरा शेष लगाएं उसको समाप्त करें। भारत सरकार ने जो शेष लगाया है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। फिर भी वो हमारी बात को तो मानेंगे नहीं। मैंने तो उसके अलावा जो कोयला की जो पेनाल्टी है 41 करोड़ उसकी भी मांग मैंने की। मैंने ये भी मांग किया कि जो धान में उसमें जो चावल ले रहे हैं उसे मना कर दिए, उस पर भी मैंने कहा कि उसे भी कम करें, और इथेनॉल बनाने की मांग मैंने की। उसके बाद भी अब 22 तारीख की कैबिनेट है, इसमें कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा और सभी राज्यों के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ किस दर पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो रहे हैं उसको अध्ययन करके ही वो निर्णय लिया जाएगा। सर ये कंगना रनौत अलग अलग देखिए उसमें विभाग के विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव, विभागीय कर्मचारी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, हमारे सब महापौर, अध्यक्ष, पार्षद और सफाई दीदी, स्वच्छता दीदी का जो योगदान है, जिसे मिशन मोड पे लगातार काम करते रहे और उसके कारण से आम नागरिकों का भी, छत्तीसगढ़ के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है, तो सबका समन्वित प्रयास से ये संभव हुआ और लगातार प्रथम स्थान पे आ रहे हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के ये सम्मान है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान है, और लगातार तीसरा साल है जिसमें हम लोग पुरस्कार लेने जा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में तो तीसरे स्थान पर थे, अब लगातार पहले स्थान पे आ रहे हैं, और 239 पुरस्कार में से 67 पुरस्कार 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ अकेले को मिल रहा है, तो ये बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। मंत्री जी को साथ में हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी अधिकारी कर्मचारियों को और स्वच्छता दीदियों को बहुत बधाई शुभकामना।